नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है हमारे प्रेसर सोच, जैसे आपकी कंप्लेंट आई हैं, लगातार कमेंट आई हैं कि आप जैसे प्रेसर सोच को ऑन करते हो, जैसे आप अपनी मोटर को स्टार्ट करते हो, मोटर ऑन होती है, ऑफ होती है, ऑन होती है, ऑफ हो जाती है, लगातार ये कंडीशन चलती रहती है। प्रेशर होल्ड होता है, मोटर ऑफ हो जाती है, जैसे ही रिलीज होता है, कुछ कम होता है तो आपकी मोटर दोबारा से ऑन हो जाती है, ये लगातार कंडीशन चलती रहती है। तो मैं आपको इस कमेंट, जो आपकी लगातार कमेंटें आई हैं आपकी मोटर के कंडीशन के और सेटिंग के, आप डिफरेंशियल सेटिंग नहीं कर पा रहे हो या रेंज को सेट नहीं कर पा रहे हो या इसके कनेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सारे आपके आज डाउटों को क्लियर करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन पर नए हो, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे इजी सर्किट और इलेक्ट्रिकल की तमाम वीडियो के लिए। मैं आपको विद प्रैक्टिकल डायग्राम बना के सारी चीज़ें आपको क्लियर हमेशा से करता रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, थॉर्टिकल प्रैक्टिकल। तो मैंने आपकी इन कमेंटों का ही जवाब आज इस वीडियो में, जैसे आपकी कमेंटें थी, आप मोटर को स्टार्ट तो करते हो, आपका प्रेशर स्विच लगा हुआ है, लेकिन मोटर स्टार्ट होती है, प्रेशर पूरा हो जाता है, कुछ हल्का सा कम होने पर आपकी मोटर दोबारा स्टार्ट होती है, रेगुलर इस तरह की कंडीशन चलती है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमेशा जो दिक्कत रही है, मैं पहले इसके कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन पैदा हो रही है। तो पहले इसके मैं कनेक्शन करता हूँ, ये कॉमन वायर एक लगा देता हूँ, मैं इसको सप्लाई देता हूँ सीधे, ये मैंने कॉमन पे लगा दिया। और ये दूसरा जो हमारा है एनसी, मैं उससे आउटपुट सीधी एक मोटर के लिए दे देता हूँ, ये यहाँ से आपको मैंने पहले भी कई सर्किट बनाए हैं, मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, इसको मैं सीधा आपका जो कमेंट थी उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपकी मोटर स्टार्ट होती है और ऑफ होती है, स्टार्ट होती है, ऑफ होती है, जो कंडीशन आपकी चलती रही है उसका मैं इसमें आपको क्लियर जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं मान लेता हूँ मैंने मोटर को कनेक्ट कर दिया, और आपकी फुल वायरिंग के लिए आप मेरी जो इससे पहली वीडियो है उसको देख लो, मैंने उसमें कनेक्शनों को क्लियर आपको बता रखा है। और ये मैं इसका एक न्यूट्रल लगा देता हूँ, अभी क्या करा मैंने, कॉमन वायर से यहाँ सप्लाई दे दी और इसकी एनसी से, प्रेशर स्विच की एनसी से मैंने सीधा मोटर को स्टार्ट कराया। आप मैनुअली, ऑटो, जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहो, तो केवल इसमें जैसे आपकी मोटर ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है, केवल इसी पे काम करेंगे आज। तो मैं सीधी सप्लाई को ऑन करता हूँ, मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया, देखो अभी क्या है, हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, मोटर स्टार्ट हुई हमारी मोटर। अब क्या है, देखो ये प्रेशर हमारा बढ़ चुका है, आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे क्या है, प्रेशर हमारा रिलीज होगा, जैसे कम हो रहा है, अब क्या है, दोबारा मोटर स्टार्ट होगी, फिर प्रेशर भर दिया, फिर हमारा कुछ प्रेशर कम हुआ। तो आप गलती क्या कर रहे हो, इसका डिफरेंशियल सेट नहीं कर रहे हो आप, जैसे हाँ यहाँ आके स्टार्ट हो रही है और सिक्स पे बंद हो रही है, ठीक है, और हमारी यहाँ एक केजी से, तो क्या मैंने डिफरेंशियल वन केजी कुछ प्लस है वन केजी से सेट कर रखा है, अगर उससे हमारी यहाँ डाउन आ रही है तो हमारी मोटर दोबारा से रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है, जैसे डाउन आया प्रेशर मोटर स्टार्ट हो गई और इसने फिलअप करना चालू कर दिया, ठीक है, फिलअप कर रहा है,
प्रेशर बढ़ रहा है हमारा, मोटर बंद हो गई। अब क्या है, हम डिफरेंशियल सेट, हम इसको 4 kg से नीचे स्टार्ट करना चाहते हैं। आप देख रहे हो इसमें हम क्या है, ये 4 kg पे आने से पहले ही मोटर हमारी स्टार्ट हो रही है। हम चाहते हैं कि ये 4 kg से नीचे आए जब हमारी मोटर स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी सेटिंग करेंगे। प्रेशर सोचिए इसका क्या है, डिफरेंशियल मैंने आपको बताया, ये रेंज है हमारी जो मैंने 6 kg पे सेट कर रखा है। और अभी क्या है, हम डिफरेंशियल को सेट करेंगे। हम तो डिफरेंशियल को कितना कर देंगे, हम 2 kg। तो मैंने डिफरेंशियल को, आप देख रहे हो ये यहाँ 2 kg पे मैंने डिफरेंशियल को सेट कर दिया, और ये रेंज है इसकी 6 kg। तो अभी क्या है, हमारा प्रेशर 6 kg है, और जैसे ही ये हमारा प्रेशर 6 kg को क्रैश जो हमने रेंज सेट कर रखी है, और हमारा जो प्रेशर है आप देखो, जो अभी 5 पर आके स्टार्ट हो रहा था वो 4 के समथिंग आता है, फिर हमारी मोटर स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी हमारा 5 पे स्टार्ट नहीं हो रहा, 5 से नीचे आ चुका है, 4.5 पे है। जैसे ही 4 पे आ रहा है और मोटर हमारी दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हमने डिफरेंशियल को क्या है, डिफरेंशियल को जब हम बिल्कुल लो कर देंगे, हमने डिफरेंशियल को क्या करा, यहाँ 0.7 पर सेट करा, सबसे लो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी मोटर ऑन होगी और ऑफ हो जाएगी। जैसे देखो 6 kg से नीचे आते ही हमारी मोटर स्टार्ट होगी, और यहाँ 6 kg से जाती बंद होगी, और 6 kg से नीचे आती हमारी मोटर स्टार्ट होगी। तो क्या हम ये गलती को हम रिपीट करते हैं, और इसीलिए ऐसा होता है, हमारी मोटर ऑन होती है और ऑफ होती है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और आपको जो डिफरेंशियल सेटिंग नहीं हो रही थी जिसकी वजह से लगातार ये प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे हमारा प्रेशर ये फिलअप हुआ और दोबारा ये जैसे कम हुआ और स्टार्ट होगी, तो मैं इस सेटिंग को दोबारा करूँगा। मैं डिफरेंशियल सेटिंग को फिर बढ़ा देता हूँ, जैसे 0.7 है आप देख रहे हो, ये यहाँ 0.7 पर है जो सबसे लो प्रेशर है हमारा डिफरेंशियल का। तो क्या करेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे, अब मैंने डिफरेंशियल जो सेटिंग है 2.5 कर दी, आप देख रहे हो 2 और 3 के बीच में ये यहाँ 2.5 पर आ गई। तो 2.5 kg क्या है, ये इधर ये केजी नहीं वार में है, और इधर PSI है। ठीक है, तो हमारे जो मैंने सेटिंग करी है वो 2.5 bar है, और इधर हमारा 6 bar। ठीक है, ये वार और इधर PSI में। तो अभी क्या है, हमारी मोटर ऑफ है। अब जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज करेंगे, देखो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हुई, कहाँ आके हुई, अभी हमारा 4 से नीचे आया, मोटर स्टार्ट हुई हमारी, और यहाँ 6 पर जाके बंद हो गया। ठीक है, दोबारा ट्राई करेंगे हम, जैसे प्रेशर आ रहा है हमारा, देखो 4 kg के समथिंग आ गया,
और हमारी मोटर अभी भी ऑफ है। अब 4 केजी के नीचे क्रॉस कर रहा है, हमने यहाँ 2.5 केजी कर रखा है इसको। आप देखो 4 केजी के नीचे आके आप देख रहे हो मोटर हमारी स्टार्ट हुई है और ये फिलअप करेगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारे हमेशा ये दिक्कत हो रही थी डिफरेंशियल की, हम डिफरेंशियल को सही सेट नहीं कर पा रहे थे, डिफरेंशियल हमारा सबसे कम था, इसकी वजह से हमारी मोटर ऑन होती थी और ऑफ होती थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और इसका ये सेटिंग का ये लॉकिंग पिन है, इसमें पहले से लगा होता है, आप इसको ओपन करोगे, यहाँ एक स्क्रू टाइट होता है, मैंने उसको ओपन कर दिया था वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो। और ये लॉकिंग स्पिन, ये इसको निकालोगे पिन को, बाहर निकालने पर ये यहाँ से रेंज सेंट होगी, आप ये देख रहे हो ये रेंज, जितनी आप रेंज रखना चाहो, और इससे होगा डिफरेंशियल सेट, जितने अंतर पर आप मोटर को स्टार्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारा चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।